सवाल ये है कि किरदारों में किस तरीके से आप लोगों की एंट्री हुई, जैसे भवानी, दलिया, या क्योंकि इसमें एक वन लाइनर मैंने पढ़ा कि वफादारी काफ़ी है इस फिल्म में, जैसे दलिया हैं तो वो भवानी काफ़ी वफादार हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो वफादारी के साथ धोखेबाजी भी काफ़ी, कौन किसको किसके साथ वफादार है और किसको धोखा दे रहा है वो आपको फिल्म देखते देखते धीरे धीरे पता चलता है। तो सर वही जानना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा अगर अपने अपने किरदार के बारे में अभी आप। आई थिंक जैसे कि मैंने अभी कहा कि आई थिंक मिलन जवाब देंगे, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म देखते वक्त रिवील होती हैं। मेरे ख्याल से आलोक, रादर देन गोइंग टू द कैरेक्टर्स, क्योंकि ट्रेलर की एक सीमा है जिसके बाहर हम इस वक्त नहीं जाना चाहते, जितना हम दिखाना चाहते थे हम ट्रेलर में दिखा चुके हैं, लेकिन किसी ने मुझे करीब एक महीने पहले पूछा था कि आप अपने कैरेक्टर्स का नाम बता दीजिए, तो मैंने सारे एक्टर को फ़ोन किया और कहा कि ये मत करना, क्योंकि हर नाम इसमें बहुत सोचने के बाद दिया गया है। भवानी एक वफादार किस्म का नाम है, तो जैसे सहर सिंह है या गीतांजलि है, दलिया है, टिकला है, संजना है, बहुत सोच समझ के बाद हम लोग, रजत और मैं, इसमें महीने लगा देते हैं कि कैरेक्टर को सुल्तान मिर्ज़ा का नाम दिया जाए या शोएब का नाम दिया जाए। तो इट्स वेरी स्पेशल टू अस एंड आई होप दैट पीपल विल अंडरस्टैंड द वाइब क्यों ये नाम रखा हुआ है। और जहाँ तक कैरेक्टर्स का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी 3 हफ्ते और हैं तो कुछ पन्ने हम और धीरे और टाइम के बाद खोलना चाहते हैं। सर ट्रेलर की एक और खासियत थी कि डायलॉग्स काफ़ी हैं लेकिन गानों के चंक आपने नहीं रखे हैं, तो कोई स्पेशली आपने ऐसा सोचा था या क्या? नहीं, सोचा नहीं था। आई थिंक ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, जिस जब आप ट्रेलर बनाना शुरू करते हैं तो एक एक किस्म की लैंग्वेज आप पकड़ लेते हैं, तो एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली 2 गाने हम रिलीज कर चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, तो वी डिडंट वॉन्ट टू मिक्स द टू। आई थिंक दिस इज फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द लिटिल बिट मोर अबाउट द प्लॉट, लिटिल बिट मोर अबाउट द कैरेक्टर्स, और इंट्रीग बढ़ाने के लिए। तो गाने आने से मेरे ख्याल से जो मतलब मैं पेस ज़्यादा पसंद करता हूँ अपनी फिल्मों में, आई डोंट लाइक टू स्लो डाउन थिंग्स, तो उसको माइंड में रखते हुए हमने इस रिदम पे ये ट्रेलर काटा है।